डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये देखने वाले हैं पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो बच्चों, हम लोग कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस कर रहे थे। हमने ये देखा था कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। और बच्चों, हमने ये भी देखा था जो कोवलेंट बॉन्ड है वो टू नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। और फिर नेक्स्ट हमने कुछ कंडीशंस भी देखी थी जो कि कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए जरूरी होती हैं। क्लियर? उसमें सबसे फर्स्ट थी एलिमेंट्स शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, कि एलिमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होने चाहिए। और नेक्स्ट हमने ये देखा था बॉन्डिंग एटम्स शुड हैव इक्वल और वेरी स्मॉल डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, कि जो बॉन्डिंग एटम्स हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो या तो वेरी स्मॉल हो या फिर जीरो हो। क्लियर? और थर्ड थी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल शुड बी फोर और मोर, कि इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में वो फोर होने चाहिए या फिर फोर से ज्यादा। क्लियर? और नेक्स्ट बच्चों, हमने कोवलेंट बॉन्ड की डिफरेंट टाइप्स देखी थी, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब बच्चों, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो दो तरह का होता है, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले ये देखते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। बच्चों, अगर तो कोवलेंट बॉन्ड टू सिमिलर एटम्स के दरमियान बन रहा है, क्लियर, तो इन एटम्स के दरमियान जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कि इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, जो बॉन्ड पेयर है, उसको दोनों एटम इक्वली अट्रैक्ट करेंगे। इस तरह की बॉन्ड को हम नाम देते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इफ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, होमो एटम्स, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अट्रैक्टेड बाय बोथ द एटम्स इक्वली। सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कि जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है वो टू सिमिलर एटम्स के दरमियान बनता है और उसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको दोनों एटम्स इक्वली अट्रैक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बॉन्ड फॉर्मेशन इन H2 एंड Cl2। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड अ प्योर कोवलेंट बॉन्ड। तो बच्चों, इस तरह का जो बॉन्ड होगा उसको हम कहेंगे प्योर कोवलेंट बॉन्ड। अब हम देखते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बच्चों, जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है ये टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स के दरमियान बनता है। क्लियर? इफ द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, देन द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी अट्रैक्टेड इक्वली बाय द बॉन्डेड एटम्स। अगर तो कोवलेंट बॉन्ड टू डिफरेंट एटम्स के दरमियान बन रहा है, हेटेरो एटम्स के दरमियान बन रहा है, तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर होगा उसको दोनों एटम्स इक्वली अट्रैक्ट नहीं करेंगे। उसमें एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर को ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ HCl, अब जो HCl जो है वो एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। बच्चों, HCl में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसे हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखें, हाइड्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.2। अब इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, जो बॉन्ड पेयर है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर ऑटोमेटिकली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। वो पार्शियल नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज नेगेटिव होता है ना, तो क्लोरीन उसको अपनी तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और क्योंकि जो बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन से दूर चला गया है, इसलिए इसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। व्हेन देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम, देयर विल बी अनइक्वल अट्रैक्शन फॉर द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सच एटम्स, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कि जब टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो जो बॉन्ड पेयर की जो अट्रैक्शन होगी वो अनइक्वल हो जाएगी। क्लियर? और इसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी हमने देखा है HCl के केस में, अब जो ये वाले जो डेल्टा का साइन है ये पार्शियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। क्लियर? एक्चुअली इनको हम पोल्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? पोल्स। तो क्योंकि इनके ऊपर पोल्स क्रिएट हो गए हैं तो इस तरह के बॉन्ड को हम नाम देंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। The delta sign indicates partial positive and partial negative charge
दैट इज डिवेलप ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो ये वाला जो डेल्टा का जो साइन है ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज को शो कर रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन पेयर की अनइक्वल शेयरिंग से डिवेलप हुआ है। द कंपाउंड रिजल्टिंग फ्रॉम पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड पोलर कंपाउंड्स। अब ऐसे कंपाउंड जो कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में बनते हैं उनको हम पोलर कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। By using electronegativity values, it is possible to predict whether a chemical bond will be ionic or covalent in nature. अब बच्चों electronegativity values से हम लोग इस चीज को predict कर सकते हैं जो chemical bond बन रहा है वो ionic होगा या फिर covalent होगा। Clear? तो बच्चों अगर तो bond बन रहा है high electronegative elements like halogens and low electronegative elements like alkali metals, तो bond जो है वो ionic in nature होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट ट्रांसफर होगी। लेकिन अगर तो बॉन्ड बन रहा है ऐसे एलिमेंट्स के दरमियान जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कंपेरेबल हों, मीन की सेम हो तकरीबन, तो फिर जो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट इन नेचर होगा। तो उसमें जो बॉन्ड बनेगा वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन एंड हाइड्रोजन इन मीथेन एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया। अब बच्चों अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है एलिमेंट्स के दरमियान वो 1.7 से ज़्यादा है, क्लियर, तो बॉन्ड प्रीडोमिनेंटली आयोनिक होगा। प्लीज कीप इट इन योर माइंड कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस टू एलिमेंट्स के दरमियान 1.7 से ज्यादा होगा तो बॉन्ड क्या होगा, आयोनिक इन नेचर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl सोडियम क्लोराइड के केस में है। अब देखिए सोडियम बच्चों इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.93 और क्लोरीन की अभी हमने देखी है 3.2। तब इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है 2.27। इट मीन के 1.7 से ज्यादा है तो फिर जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, आयोनिक इन नेचर होगा। और हाँ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम है तो फिर जो एटम है एटम्स के दरमियान तो फिर बॉन्ड प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट होगा, जैसे अभी हमने देखा है HCl के केस में। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2 और क्लोरीन की है 3.2 और दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 1 आ रहा है। इट मीन के 1.7 से कम है तो बॉन्ड जो है वो प्रीडोमिनेंटली आयोनिक होगा। तो बच्चों आज हमने ये देखा पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। तो इसको अगेन एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है वो हमेशा टू डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता है और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम्स के दरमियान बनता है। लेकिन कुछ बच्चे एक्सेप्शनल केसेज हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल CH4 है, CO2 है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चों ये डिफरेंट एटम है लेकिन इनके जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर है, तो इनको हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसके दरमियान बनता है, बिटवीन टू डिफरेंट एटम, और नॉन पोलर किसके दरमियान बनता है, बिटवीन सिमिलर एटम। और बच्चों जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो शेयर पेयर है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको दोनों एटम इक्वली अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी अट्रैक्टेड इक्वली, उसको जो बॉन्डेड एटम है वो इक्वली अट्रैक्ट नहीं करते। क्लियर? और जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है इसको प्योर कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, और जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है उसको प्योर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं और पोलर को इम्प्योर कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। और पोलर के भी हमने एग्जाम्पल देखी है, HCl है, H2O है, क्लियर, और HF है, और नॉन पोलर की एग्जाम्पल अभी हमने देखी है H2, Cl2, O2, N2, क्लियर।